Hey, hi kids. Okay, तो आज हम चालू करते हैं अपना पहला लेसन जो कि सर्कल शेप्स पे है, जिसमें आप लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे, सर्कल बनाना सीखेंगे, रेक्टेंगल करना सीखेंगे. ठीक है, तो इसके लिए क्या जरूरत है? आपको एक स्केच बुक की जरूरत है. मैं दिखाता हूँ आपको, ये एक स्केच बुक और कुछ सेट्स ऑफ पेंसिल, जो ये पेंसिल है ये, और एक शार्पनर. आपको इरेजर यूज नहीं करना है, क्योंकि आपको ड्रॉइंग अपनी हैबिट में लेके आना है. तो करना क्या है, जिनके पास अभी ड्राइंग बुक नहीं है तो वो अपना एक न्यूज़पेपर ले लें, बेस्ट न्यूज़पेपर, और उस टेक्स्ट के ऊपर स्ट्रेट लाइन खींचने की कोशिश करें. ठीक है, ये प्रैक्टिस आपको 15 टू 20 मिनट करनी है रोज, एवरी टाइम जब आप स्केचिंग करेंगे. और सेकेंड प्रैक्टिस करनी है आपको सर्कल. सर्कल कैसे बनाना है, एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट को जोड़ना है, वो भी विद में और फोर्स में करना है. इससे क्या होगा, आपका जो हैंड का प्रैक्टिस है, स्केचिंग करने का प्रैक्टिस है, वो आपका इम्प्रूव होगा. डरने की जरूरत नहीं, फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि गलत बनेगा, कुछ खराब होगा, कुछ सही नहीं होगा, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको ये हैबिट में आ जाएगा. इससे क्या होगा, आप धीरे धीरे स्केचिंग में अपनी इम्प्रूव कर पाएंगे, और धीरे धीरे आपको शेप समझ में आएंगे, स्केचिंग समझ आएगी, लाइन समझ आएंगी, फोर्स क्या होता है वो समझ में आएगा. तो ये आपका पहला लेसन है जो आपको करना है. ये चीज मैं आपको अपने YouTube चैनल में दिखाऊंगा कि इसको कैसे करते कैसे. ठीक है, ओके, बाय. तो आप अभी ये देख पा रहे हैं कि इसमें मैं आपको लाइंस, स्ट्रेट लाइंस सीखना दिखा रहा हूँ कि इसमें स्ट्रेट लाइन कैसे खींचते हैं. मैंने जैसे पहले आपको वीडियो में बताया था कि आप जो है एक न्यूज़पेपर लें, और न्यूज़पेपर पे आप स्ट्रेट लाइन टेक्स्ट के थ्रू जो टेक्स्ट लिखा होता है उसके ऊपर आउटलाइन करने की कोशिश करें. तो उससे क्या होगा कि आपका जो है पेंसिल का फोर्स स्ट्रेट लाइन खींचने में मदद करेगा. पहली प्रैक्टिस तो ये हो गई. ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, नाउ सेकेंड लेसन में मैं बताता हूँ आपको कि आपको करना क्या है, कि आपको सर्कल खींचने की कोशिश करनी है, कि और सर्कल ऐसे ही खींचे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मैच करे, जैसा आप यह वीडियो में देख सकते हो. राइट, तो ये आप, मैं अभी तो ये सॉफ्टवेयर में कर रहा हूँ, आप पेपर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. कोई भी रफ पेपर लें और ये हैबिट जो है ना बार बार करने की कोशिश करें, जिससे होगा क्या कि आपका जो है हैंड जो और स्मूथ होगा. जैसे आप देख रहे हैं इसमें एक सिंगल लाइन में है, फिर उसके बाद डबल लाइन में भी है. आप एक काम करें, इसको बार बार करते रहें, करने से हैबिट बढ़ती जाएगी आपकी, और शेप्स आपकी जो आपकी ड्राइंग में जैगीनेस है, डिथॉर्डनेस है, वो जो है कम होगी. ठीक है, तो ये आप कोशिश करो इस तरीके से. देन आप डिफरेंट कई तरीके के शेप्स जो होते हैं, आकार होते हैं, जैसे कि ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल की भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप. ट्रायंगल खींचो, रेक्टेंगल खींचो, स्क्वायर खींचो, इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहो. और ये रोज़ जब भी आप ड्राइंग करोगे उससे पहले 15 मिनट टू 20 मिनट जरूरी ही करना है आपको. ठीक है,